एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी और उन्होंने कुछ चीजें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति गवर्नर वही कहते हैं, तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीज़ें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या है आगे कदम होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोली कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने बोरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने के वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूँगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपेरेटिवली बोल सकता हूँ, लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST का था, सब सारी चीजें बता सकता हूं। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी जलसी क्यों है भाई? अपने बात को आप रखी है, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है, तुम्हारा बिल्डिंग कहां खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं, जरूर मान्यवर, ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर? हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको
आपके पास है, सबका सभी को पूछ के घंटा दो घंटे चार घंटे चला सकते हैं। तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी क्योंकि दी हाउस इज मेड फॉर डायलॉग डिबेट डिस्कशन ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो मीटिंग नहीं सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो, मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को आपने कहा था और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मेरे प्रोड्यूसर ऑफिस में थे यहां, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा, आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहां सताए, मौसम ठीक है, आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे, कहा मेरे लिए तो, था कि नहीं, नहीं, आगे बहुत सताएगा। सुनिए आप, उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है, बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए कि आप उसको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है, तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, जो भी हम सलाह देते हैं।